A very good morning to each and every student. So here we go, our second chapter, that is a story. As you can see, the two sculpture, okay, the two sculpture, that means do murtikar, theek hai. Sculptures ka kya hota hai matlab bachcho, sculptures mean murtikar, jo murti banata hai patthar ko तोड़ तोड़ के, पत्थर को हथौड़ी से और उसके जो टूल्स होते हैं औजार, उसके हेल्प से मूर्ति बनाते हैं, जो उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्कल्पचर्स, ठीक है. सो स्टूडेंट, पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लिखा है, लेट्स थिंक, ना. उसके बाद क्या लिखा है, लेट्स फाइंड एंड लेट्स इमेजिन, ठीक है. तो पहले भी क्या लिखा है, लेट्स थिंक हु इज़ योर क्लोजेस्ट फ्रेंड एंड वाई, ठीक है. बच्चों आप ये बताओ, आपके आपका सबसे अच्छा दोस्त और सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड, मतलब कि आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, ठीक है, और वो आपका बेस्ट फ्रेंड क्यों है, ठीक है. और उसके बाद क्या है, लेट्स फाइंड व्हाट थिंग्स डू यू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ठीक है. आप क्या चीज़ें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना पसंद करते हैं, ठीक है, आप क्या उसके साथ शेयर करते हैं, ठीक है. और थर्ड में क्या बोल रहे हैं, लेट्स इमेजिन स्पीक अबाउट अ टाइम व्हेन यू हेल्प्ड योर फ्रेंड हु वाज इन ट्रबल. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ऐसे समय के बारे में बताओ कि जब कभी आपका दोस्त किसी प्रॉब्लम में फंसा हो और आपने उसकी सहायता करी हो, ठीक है, आपने क्या करी हो, उसकी हेल्प करी हो उस प्रॉब्लम से निकलने में, ठीक है. आया बच्चों समझ में. तो क्या है यहाँ पे, दो स्कल्पचर्स की कहानी है, ठीक है. जैसे कि बोला जा रहा है दो स्कल्पचर, यानी दो मूर्तिकार होंगे, तो क्या होंगे, दोनों आपस में दोस्त भी होंगे, ठीक है. क्योंकि उनका जो प्रोफेशन है, मतलब उनका जो रोज़गार है, वो क्या एक जैसा है, ठीक है. तो इट कैन बी दैट दे मस्ट बी फ्रेंड्स, है ना, ठीक है. तो यहाँ पर एक स्टोरी है, तो हम मैं स्टोरी आपके सामने आपके लिए पढ़ूंगी, ठीक है. मैं उसको ट्रांसलेट भी करती जाऊंगी, जिससे कि आपको कहानी समझ में आए, ठीक है. तो क्या लिखा है यहाँ पे, वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, ठीक है. वंस अपॉन अ टाइम का क्या होता है मीनिंग बच्चों, एक बार की बात है. देयर लिव्ड अ काइंड किंग, ठीक है, एक दयालु राजा रहता था, ठीक है. एक बार की बात है, जहाँ एक दयालु राजा रहता था. हिज सब्जेक्ट्स लव्ड हिम वेरी मच, ठीक है. हिज सब्जेक्ट्स, यहाँ सब्जेक्ट्स का मतलब आपके सब्जेक्ट से नहीं है, ठीक है. सब्जेक्ट्स का मतलब है यहाँ पे कि उसकी प्रजा, ठीक है. क्या है इसका मतलब बच्चों, सब्जेक्ट का क्या मतलब है यहाँ पर, प्रजा. देखो इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं उसका एक मीनिंग नहीं होता, ठीक है. उसके एक ही वर्ड के दो या तीन मीनिंग होते हैं, समझ में आया. जैसे कि हिंदी में भी होता है बहुत चीज़ें, है ना. खाना, जैसे खाना क्या, खाना खाने को भी हम खाना बोलते हैं, और खाना अगर प्लेट में रखा है, निकला वो आपके लिए, तो उसको भी आप खाना ही बोलते हैं ना. उसी तरीके से सब्जेक्ट का क्या होता है यहाँ पे, मतलब जैसे कि आपका सब्जेक्ट भी होता है विषय, ठीक है. और सब्जेक्ट का यहाँ मतलब प्रजा है, यहाँ पे हम प्रजा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हिज सब्जेक्ट्स लव्ड हिम वेरी मच, ठीक है. इन हिज किंगडम लिव टू स्कल्पचर्स, ठीक है. और उसकी जो उसका किंगडम, मतलब उसके राज्य में दो मूर्तिकार भी रहते थे. दे वर कॉल्ड चंद्रा एंड लक्ष्मण, ठीक है. उनके नाम क्या थे बच्चों, चंद्रा एंड लक्ष्मण, ठीक है. द किंग लाइक देयर वर्क वेरी मच एंड वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ देम, ठीक है. द किंग जो था, उनको उनका काम बहुत पसंद था, ठीक है. दोनों ही मूर्तिकार बहुत अच्छी मूर्तियाँ बनाते थे, इसलिए उनको उनका काम बहुत पसंद था. एंड आर वेरी फॉन्ड ऑफ देम, ठीक है. और वो उनसे मूर्ति बनवाना, जो राजा थे, उनको बहुत पसंद था, क्योंकि वो बहुत अच्छा अच्छी मूर्ति बनाते थे, ठीक है. तो क्या है कि उनको वो उनके बहुत चहेते थे, और उनको उन्हें उनसे मूर्ति बनाने में काफ़ी पसंद था, मतलब वो हमेशा उनसे मूर्ति बनवाना चाहते थे, ठीक है. तो एक दिन क्या हुआ, वन डे द किंग डिसाइडेड टू होल्ड अ कॉम्पिटिशन टू फाइंड आउट हु वॉज द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट, ठीक है. एक दिन उस राजा ने सोचा कि मैं एक कंपटीशन, मतलब कि एक प्रतिस्पर्धा रखता हूँ इन दोनों कलाकारों, इन दोनों मूर्तिकारों के बीच में, ठीक है. और देखता हूँ कौन इन दोनों में से सबसे अच्छा है, ठीक है. कौन, हु वॉज द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट, ठीक है. इन दोनों में कौन सबसे अच्छा आर्टिस्ट है. तो ये राजा ने एक दिन सोचा
कि इन दोनों के बीच में क्या करें, कॉम्पिटिशन रखें, ठीक है। सो द चंद्रा वॉज वेरी मीन, ठीक है। दो जो फर्स्ट वन है चंद्रा, ठीक है, दो स्कल्पचर में जो चंद्रा है वो क्या है, बहुत मीन टाइप का। मीन मतलब क्या होता है, दुष्ट, ठीक है, मीन चालाक बोलते हैं, ठीक है, दुष्ट भी बोलते हैं। तो वो जो था वो कैसा था, बहुत मीन टाइप का था, ठीक है, छोटी सोच वाला था, ठीक है। मीन का मतलब और क्या होता है, बींग अनकेयर एंड विकेड, ठीक है, मतलब कि बुरी सोच वाला, मतलब अच्छा नहीं, ठीक है। तो उसने वो अपने आप से बात कर रहा है चंद्रा कि आई हैव टू डिफीट लक्ष्मण सम हाउ ही थॉट, ठीक है। उसने सोचा कि मुझे कैसे भी करके लक्ष्मण को हराना है, ठीक है। जो चंद्रा है जो कि मीन है, दुष्ट है, वो क्या सोच रहा है कि मुझे कैसे भी करके लक्ष्मण को हराना है, ठीक है। तो उसने क्या किया, सो जस्ट बिफोर द डे ऑफ द कॉम्पिटिशन, ठीक है, तो जिस दिन कॉम्पिटिशन था उसके एक दिन पहले, ठीक है, एक दिन पहले क्या करता है वो, ही वेंट टू लक्ष्मण एंड सेट, वो लक्ष्मण के पास गया और उसे कहता है, प्लीज़ लेंड मी योर टूल्स, आई कांट फाइंड माई टूल्स एट होम, ठीक है। वो क्या बोलता है, मुझे अपने औजार उधार दे दो, ठीक है, क्योंकि मैं अपने जो मेरे औजार है वो मुझे घर पे नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। उसने क्या किया, उसके जाके लक्ष्मण से बोलता है कि कृपया करके मुझे अपने औजार उधार दे दो थोड़ी देर के लिए, और क्योंकि मुझे मेरे औजार नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। सो द लक्ष्मण वॉज अ काइंड मैन, ठीक है। लक्ष्मण कैसा था, लक्ष्मण बहुत दयालु इंसान था, ठीक है। चंद्रा जो था वो कैसा था, वो काफ़ी मीन इंसान था, ठीक है, बुरा इंसान था, और लक्ष्मण कैसा था, दयालु था, ठीक है बच्चों। सो ही ग्लैडली गेव हिज टूल टू चंद्रा, ठीक है, उसने बड़ी खुशी खुशी से अपने औजार क्या करे, चंद्रा को दे दिए, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, चंद्रा यूज्ड टूल सो रफली दैट दे सून बिकेम ब्लंट, ठीक है। चंद्रा ने क्या किया, चंद्रा को जब लक्ष्मण ने उसके टूल्स दे दिए, तो चंद्रा ने क्या किया, लक्ष्मण के जो टूल्स थे उनको क्या करा, बुरी तरीके से, मतलब रफली, बहुत बुरे तरीके से उसको उसने यूज़ करा, ठीक है, उसके औजार को, जिससे कि क्या हो गए, जो उसके औजार थे वो कैसे हो गए, ब्लंट हो गए। ब्लंट मतलब क्या होते हैं, जैसे कि औजार होते हैं जब वो काफ़ी शार्प होते हैं तो अच्छे तरीके से चीज़ों को चीजल कर पाते हैं, ठीक है, चीज़ें जो पत्थरों को छील पाते हैं, पत्थरों को तराश पाते हैं, ठीक है। अगर ब्लंट हो जाएगा, ब्लंट हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, तो वो शार्प नहीं रहेंगे, ठीक है, और उससे जो चीज़ें आप बनाओगे तो वो नहीं है ज़्यादा अच्छे से तरश पाएगी। जैसे कि आपने घर में अपने चाकू देखा होगा, चाकू कभी जो नया नया चाकू होता है तो कैसा होता है, वो काफ़ी शार्प होता है, ठीक है, कुछ समय बाद क्या हो जाता है, वो चाकू जो हो जाता है वो ब्लंट हो जाता है, ठीक है, उससे चीज़ें नहीं कटती हैं, है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लंट बोलते हैं, दैट इज़ नॉट शार्प, ठीक है, शार्पनेस उसकी क्या होती है, ख़त्म हो जाती है। उसी तरीके से तो क्या किया, चंद्रा ने क्या किया, लक्ष्मण के टूल्स को इतनी बुरी तरीके से रफली यूज़ किया कि उसके जो औजार थे वो कैसे हो गए बच्चों, ब्लंट हो गए, ठीक है। द नेक्स्ट डे चंद्रा एंड लक्ष्मण रीच द किंग्स कोर्ट, ठीक है, अगले दिन क्या होता है, चंद्रा और लक्ष्मण क्या कहाँ गए, राजा के दरबार में पहुँचते हैं, ठीक है। तो चंद्रा क्विकली रिटर्न द टूल टू लक्ष्मण, ठीक है, तो चंद्रा क्या करता है, जल्दी से लक्ष्मण के जो औजार थे जो कि उसने ब्लंट कर दिए थे, लक्ष्मण को वापस कर दिए, ठीक है। जैसे ही, जैसे अगले दिन वो पहुँचे कोर्ट में, राजा के दरबार में, तो चंद्रा ने क्या करे, लक्ष्मण के जो औजार थे जो कि उसने ख़राब कर दिए थे, उसने चंद्रा को, लक्ष्मण को जल्दी से वापस कर देता है, ठीक है। तो लक्ष्मण वॉज शॉक्ड टू सी हिज टूल्स, लक्ष्मण क्या होता है, शॉक हो जाता है अपने टूल्स को देख करके, क्योंकि I think I should withdraw from the competition, thought Lakshman. लक्ष्मण अपने औजार को देख करके शॉक हो जाता है, क्योंकि देखता है कि उसके औजार कैसे हो गए होते हैं, औजार उसके क्या हो जाते हैं, ब्लंट हो गए होते हैं। तो वो अपने आप से बोलता है, मैं सोचता हूँ कि मुझे कॉम्पिटिशन से बाहर हो जाना चाहिए, ठीक है, आई थिंक आई शुड विदड्रॉ फ्रॉम द कॉम्पिटिशन, मैं सोचता हूँ कि मुझे कॉम्पिटिशन से पीछे हो जाना चाहिए। विदड्रॉ का क्या होता है, मतलब बच्चों पीछे हो जाना, कॉम्पिटिशन में भाग ना लेना, अपने कदम पीछे कर लेना, उसको हम क्या बोलते हैं, विदड्रॉ, तो क्या होता है मीनिंग टू नॉट टेक पार्ट और मूव अवे, ठीक है, मूव अवे मतलब पीछे हो जाना या उसमें कॉम्पिटिशन में पार्ट ना लेना, ये होता है मतलब।
तो बट इट वॉज टू लेट, बट क्या होता है कि कब तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है, और क्या होते हैं राजा आ गए होते हैं कोर्ट में, है ना, राजा क्या है जो दरबार में आ गए होते हैं वो बैठ गए होते हैं, तो अब ऐसे में राजा के सामने से जाना मना करना तो राजा को अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो क्या हो गया कि राजा के सामने दोनों आ गए थे, उनके सामने जो भी सामान होता है मतलब मूर्ति बनाने के लिए पत्थर और जो भी चीज़ें चाहिए होती है, पानी वगैरह, और सब लाके सामने रख दिया गया था। तो काफ़ी देर हो गई थी, तो लक्ष्मण पीछे नहीं हट सकता था, ठीक है। फिर क्या होता है कि यू हैव टू मेक अ बस्ट ऑफ द किंग, ठीक है, यू हैव टू मेक बस्ट ऑफ ए किंग, स्टैचू ऑफ द हेड एंड शोल्डर ऑफ ए पर्सन, ठीक है। यू हैव टू मेक अ बस्ट ऑफ द किंग, अनाउंस द हेराल्ड। हेराल्ड का क्या मतलब होता है? हेराल्ड का मतलब होता है जो कि उद्घोषणा करता हो, जो कि जैसे घर, जैसे आपने स्कूल में देखा होगा कि क्या स्पीकर पे एक जो होता है पर्सन, वो हमेशा बोलता रहता है, आपको गाइड करता रहता है, जब आप कुछ भी कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, या आप जब असेंबली में खड़े होते हैं, तो एक पर्सन क्या होता है, अनाउंसर होता है, जो कि दिन के जो भी चीज़, दिन में एक दिन में जो भी इवेंट आपके स्कूल में होना होता है वो अनाउंस करते हैं, ठीक है। या फिर एंकर बोलते हैं जिनको, वो होते हैं, ठीक है। हेराल्ड, हेराल्ड का क्या होता है मतलब जो उद्घोषणा करता हो, जो घोषणा करता हो कि जैसे कॉम्पिटिशन में होते हैं ना, उसी तरीके से। तो उसने क्या बोला, यू हैव टू मेक अ बस्ट ऑफ द किंग। बस्ट का क्या मतलब होता है कि आपको ऐसी मूर्ति बनानी है जिसमें कि इंसान का मतलब राजा का सर दिख रहा हो और शोल्डर्स दिख रहे हों, ठीक है। कहाँ तक बनानी है आपको? शोल्डर्स से कि चेस्ट पार्ट तक की आपको मूर्ति बनानी है राजा की, ठीक है। उसने ये उद्घोषणा करी दोनों के लिए, दोनों मूर्तिकारों के लिए। बट यू टू हैव टू एक्सचेंज योर टूल्स, ठीक है। और उसने क्या बोला कि बट आप दोनों को अपने टूल्स जो हैं एक्सचेंज करने पड़ेंगे, ठीक है, आपस में बदलने पड़ेंगे। अ स्कल्पचर कैन वर्क बेस्ट विथ हिज ओन टूल्स, ठीक है। एक मूर्तिकार जो होता है, जो उसके अपने खुद के टूल्स होते हैं, ठीक है, उससे उसके उस पर हाथ मतलब बैठा हुआ होता है, उससे वो उसके लिए काफ़ी हैबिचुअल होता है कि उस टूल से वो बहुत अच्छी मूर्ति बना सकता है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि जो एक मूर्तिकार होता है जिसकी अपनी टूल्स पे हाथ बैठा हुआ होता है, उसी टूल से अच्छा काम कर पाता है। जैसे कि आपने कभी देखा होगा कि क्या होता है, जैसे कि आप साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, आपकी जो साइकिल है, ठीक है, और आपके दोस्त के पास भी साइकिल है, ठीक है, बट क्या है कि वो थोड़ी उससे अलग है, आपकी वाली से अलग है, ठीक है। तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं अपनी साइकिल बहुत अच्छे से चला पाता हूँ, क्योंकि मेरी अपनी साइकिल में बहुत अच्छी पकड़ है, ठीक है। तो आप अपने दोस्त की साइकिल अगर लोगे चलाने के लिए, तो थोड़ा आपको क्या होगी उसमें दिक्कत होगी थोड़ा समझने में कि ये वाली साइकिल तो मेरी वाली साइकिल से अलग है ना। तो उसी तरीके से एक मूर्तिकार के लिए भी यही चीज़ होती है कि उसके टूल्स पे क्या होता है, उसका हाथ बैठा होता है, ठीक है। तो उसने ये बोला हेराल्ड ने कि अ स्कल्पचर कैन वर्क बेस्ट विथ हिज ओन टूल, अ ग्रेट स्कल्पचर इज़ वन हु कैन वर्क विथ समवन एल्स टूल्स, ठीक है। उसने ये बोला कि एक स्कल्पचर, एक मूर्तिकार तो अपनी टूल से बहुत अच्छी तरीके से मूर्ति बना सकता है, बट एक महान मूर्तिकार वही होगा जो दूसरे के औजार से भी अच्छी मूर्ति बना सके, है ना। क्यों बच्चों, समझ में आया? उसने क्या बोला कि आपको अपने टूल्स जो होंगे एक्सचेंज करने होंगे, और एक अच्छा मूर्तिकार वही होता है जो किसी के भी टूल्स से लेकर के किसी के भी औजार से अच्छी मूर्ति बना दे, ठीक है। तो फिर क्या होता है, देखो, चंद्रा वॉज शॉक्ड टू हेयर दिस। चंद्रा जो था, जिसने क्या करा था, लक्ष्मण के टूल्स लेकर के ब्लंट कर दिए थे, वो क्या हो गया, शॉक हो गया। लक्ष्मण क्विकली टुक चंद्रास टूल, और क्या हुआ, लक्ष्मण ने जल्दी से चंद्रा के टूल ले लिए एंड गेव हिम हिज टूल, और अपने औजार चंद्रा को दे दिए, ठीक है। यूजिंग चंद्रास टूल लक्ष्मण कार्व्ड हिज स्कल्पचर ईजली, ठीक है। चंद्रा के टूल्स की सहायता से क्या करा लक्ष्मण ने, अपने स्कल्पचर को बहुत ईजली बना लिया। बट चंद्रा कुड नॉट वर्क विथ लक्ष्मण्स टूल्स, बट क्या चंद्रा जो है, वो जो लक्ष्मण के जो औजार थे जो कि ब्लंट हो गए थे, उससे वो नहीं बना पाया मूर्ति। ओ वॉट आ फूल आई हैव बीन, ठीक है। लक्ष्मण, चंद्रा ने क्या बोला, ओ वॉट अ फूल आई हैव बीन, कि ओ मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ, ठीक है, मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ। आई हैव बीन पनिश्ड फॉर बीइंग मीन, मुझे दुष्ट होने की
सज़ा मिल रही है, मतलब मैंने जो किया मुझे उस कृत्य की सज़ा मिल रही है कि मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ जो मैंने गलत काम किया मुझे उसकी सज़ा मिल रही है। ठीक है, थॉट चंद्रा, चंद्रा ने ऐसा सोचा अपने मन में। उसके बाद क्या हुआ, लक्ष्मण वॉन द कॉम्पिटिशन ईजली, और क्या हुआ, लक्ष्मण जो था वो कॉम्पिटिशन बहुत ईजली जीत गया क्योंकि उसने स्कल्पचर जो कि उसने मूर्ति जो थी ईजली बना ली थी। द किंग रिवॉर्डेड हिम वेल, और राजा ने उसे काफ़ी अच्छा इनाम दिया। ठीक है, किसके किसको लक्ष्मण को, कि लक्ष्मण ने अच्छी मूर्ति बना ली थी। एंड चंद्रा लॉस्ट बिकॉज ऑफ हिज फॉली एंड जेलसी। ठीक है, चंद्रा जो था क्या हुआ, वो कॉम्पिटिशन हार गया क्योंकि अपनी जलन की वजह से और अपनी मूर्खता की वजह से, अपने बुरे काम की वजह से। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि क्या किया था चंद्रा ने, लक्ष्मण के टूल्स क्या करे थे उसने, बदल दिए थे अपने, क्या बोलते बदले नहीं थे, मतलब कि उसने क्या करे थे, लक्ष्मण के टूल्स लेकर के ब्लंट कर दिए थे, रफ़ कर दिए थे कि उससे कोई मूर्ति नहीं बन सकती थी। और आखिरी में देखो क्या हुआ, कॉम्पिटिशन के टाइम में उसके टूल्स उन्हें बदलने पड़े और क्या हो गया, वो कॉम्पिटिशन हार गया चंद्रा बिकॉज ऑफ हिज जेलसी एंड फॉली। ठीक है, अपनी ही गलत काम की वजह से और जलन की भावना की वजह से क्या हो गया था, चंद्रा कॉम्पिटिशन हार गया था। ठीक है, सो द राइटर्स नेम इज राजी सिंघानिया। ठीक है बच्चों, राजी सिंघानिया, आई होप यू लर्न एंड यू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी। सो बच्चों, आपको समझ में आया, हमें कभी अपने दोस्त के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें अपने दोस्त के साथ कभी बुरी भावना नहीं रखनी चाहिए। इसकी एक्सरसाइजेज जो की हैं हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।